नमस्कार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसमें भी हमको मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है, तब हम क्या करेंगे, 8 का सिर्फ टेबल हमको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर, फर्स्ट 15 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24, 8 का टेबल पढ़ लीजिए बस, ये फर्स्ट 15। अब हमको यहाँ पर लास्ट मल्टीपल नहीं मालूम है, ठीक है। तो सो यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AK माइनस 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम, ठीक है। सो द अब हम इसको क्या निकालना है, हमको सम निकालना है 15 टर्म का, तो यहाँ लेते हैं, सो ए इज इक्वल टू हमने लिया 8, डी इज इक्वल टू हमारे पास यही आया 8, ठीक है, एन इज इक्वल टू 15। अब सम के लिए हम लोग कर लेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d से सम फाइंड करेंगे, ठीक। अब एस 15, 15 टर्म का सम चाहिए, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2a प्लस एन कितना है 15, 15 माइनस 1 और d आया हमारे पास 8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट अप नहीं किया, a का वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ पर a की जगह 8 लिख दीजिए, तो 16 प्लस 15 माइनस 1 14, और 14 8 जा 112, ठीक है। यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 15 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया 8 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कट गया 15, और 8 प्लस 56 कितना हो गया 64, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 960। तो सो क्या आ जाएगा, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ 8 इज 960, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 14 क्वेश्चन। थैंक यू।